सब्सक्राइब कीजिए पेंट गुरु जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि लाइट पिंक और पर्पल कलर कैसे बनाया जाता है। अब हमारी वीडियो है कि लेमन कलर यानी नींबू कलर कैसे बनाया जा सकता है, तो चलिए जान लेते हैं उसी के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग लेमन कलर आप तो किचन में वापरते हैं या फिर किसी पैसेज में वापरते हैं या फिर हमारा जो जीना होता है ना उसमें वापरते हैं। अब जान लेते हैं कि वो कलर कैसे बनेगा। दोस्तों, आप अगर आपके किचन में मारना चाहते हो तो आपको 6 लीटर कलर लगेगा या पैसेज आपका जितना साइज़ होगा उतना कलर लगेगा। आप किसी भी पेंटर से आप निकाल सकते हो। अब जान लेते हैं कि कलर कैसे बनेगा। तो आपको अगर किचन में कलर बनाना है, यानी कि आपके एक रूम में 10x10 के रूम में आपको कलर बनाना है, तो आपको लगेगा 6 लीटर कलर। अब 6 लीटर कलर में स्टेनर कितना लगेगा, तो आपको लगेगा 200 ml येलो स्टेनर और 50 ml एफ आई ग्रीन स्टेनर। दोस्तों, आपका वाइट बेस तो होता है, आपको लेना है सिर्फ 200 ml येलो स्टेनर और 50 ml एफ आई ग्रीन। ये दोनों मिला के आपका दोस्तों लेमन कलर बन जाएगा। जैसे कि आप, मैंने पहले ही बताया था कि आप किचन में यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 10x10 के रूम में यूज़ करना चाहते हैं, तो ही आपको 4 लीटर में 200 ml येलो लगेगा और 50 ml एफ आई ग्रीन लगेगा। और आप अगर आपका रूम की साइज़ बड़ी है या फिर पैसेज की साइज़ बड़ी है, जैसा जैसा आपका कलर बढ़ेगा वैसा वैसा आपको स्टेनर बढ़ाना होगा, उसी तरह से आपका लेमन कलर बन जाएगा, यानी कि नींबू कलर बन जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।